शनिवार की रात राजधानी रायपुर में गोली चलने का मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक घायल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना न्यू राजेंद्र नगर बसंत विहार कॉलोनी का है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से फरार चल रहा आरोपी बब्बू बबलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही मामले में आरोपी भूपेंद्र ध्रुव को भी गोली लगी थी, जिसका उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने पर आरोपी भूपेंद्र ध्रुव की गिरफ्तारी की जाएगी। डाली हुई थी 2 अगस्त को, जिसको पुलिस ने फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट किया है और उससे एक कट्टा बरामद किया है और पूछताछ में इसने इस कट्टे को उत्तर प्रदेश से लाना बताया है। इसके आगे की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध डीडी नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मोहन यादव, ये फूल चौक निवासी, काली मंदिर के पास मधुपारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है।